दोस्तों, इस वीडियो में जो कवर करने वाले नेस्टन T20 कप का जो कि मैच खेला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वर्सेस साउथ ईस्ट पंजाब का मैच खेला जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये मैच ना डे आफ्टर डे का सेकंड मैच है और ये इन्वेस्टमेंट के लिए सीरीज काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो आप लोग स्मॉल लीग रैली दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैच इन्फॉर्मेशन, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को आखिर तक देखना, इस वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे। लेकिन उससे पहले, ऐसे मैचेस में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, तो फाइन टीम के लिए फाइनल अपडेट्स के लिए कंफर्म बैटिंग ऑर्डर के लिए आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चाहे जोर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर डेड लाइन से 15 मिनट पहले फाइनल स्मॉल टीम शेयर कर दूंगा, ग्रैली टीम शेयर कर दूँगा डेड लाइन से 15 मिनट पहले। सबसे सारे सबसे बेस्ट मेथड है, मैं एक लिंक पिन कर दूँ कमेंट बॉक्स, आप उसके थ्रू टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक आप उसके थ्रू कर सकते हो। दोनों लिंक 100% काम करता है, तो टेलीग्राम चाहे जोर से ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे 43,100 से ज़्यादा लोग हैं, 43,100 से ज़्यादा लोग हैं। ऑफिशियल ज्वाइन करना लिंक के थ्रू, लिंक 100% काम करता है, प्लीज़ ऑफिशियल ज्वाइन देखो, 43,100 से ज़्यादा लोग, 43,100 से ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स लिंक पिन का दो सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आपको सर्च करना हो तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च बारे जाना, सर्च करना एफ11 टीम का सर्च करो, तो एक चैनल देखने को मिलेगा जहाँ पे करीब अभी के टाइम 43,100 से ज़्यादा लोग हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मेरे नाम से बहुत सारे फेक चांस, अगर आपको ऑफिशियल ज्वाइन करें तो लिंक के थ्रू कर लेना, लिंक 100% काम करता है। और देखो, पहली बात तो ये कोई फर्स्ट मैच तो है नहीं कि हमें स्टैट्स की जरूरत पड़ेगी, और दूसरी बात यह है कि पता है अभी मतलब मैंने बोला 11 बजे 30 रुपये का अमाउंट ट्रांसफर करना है, यानी कि अभी स्टैट्स निकालने का टाइम भी नहीं है, और मैच भी 3 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा, तो सभी गिवन मिनट्स का अमाउंट भी ट्रांसफर करना है, तो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सीधा सीधा बात करते हैं लास्ट मैच के स्कोर कार्ड, उससे आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगा। बैटिंग ऑर्डर तो सबको पता है, ये बॉलिंग लाइनअप से पता चल जाएगा, पावर प्ले का भी पता चल जाएगा। तो बात करते रहा 14th मैच है ना, तो पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट 13th मैच खेल के आ रहे, तो टीम दस नॉर्थ ईस्ट टीम दस से हसन नवाज ओपन करते, जसन मलिक के साथ ओपन करते टीम दस। देखो इससे पता चल, जसन मलिक ओपन करने वाले, रोहित नाजिर वनडर बैटिंग करने वाले, इससे भी पता चल गया। वन डाउन उमर अमीन, जो कि पहले वनडर टीम दस से ना आ रहे, तो वन रन बैटिंग करने, अब टू रन बैटिंग करते, इससे भी पता चल गया। अगर मैं बैटिंग ऑर्डर वगैरह लिखता तो ये सब नहीं करता। उसके अलावा मुबारसिर खान, जो कि टीम अंदर से फिर ना बैटिंग किया था, देखते बॉलिंग तो पा नहीं रहा था, देखते इस बॉलिंग क्या नहीं किया। सोहेल तनवीर टीम अंदर 74 रन स्कोर किया था, मैं हमेशा इसके साथ कैप्टन जाता रहता हूँ, एंड लास्ट मैच मैंने इनको कैप्टन ही बताया था, और सबसे बेस्ट थे टीम अंदर से अमर जालम, जो कि सिकना बैटिंग किए थे। तो ये है नॉर्थ ईस्ट का लाइनअप विद बैटिंग ऑर्डर। बात करते फर्स्ट पावर प्ले में, न्यू बॉल से सोहेल तनवीर ने स्टार्ट किया था, एक विकेट लेके गया। सलमान इरशाद 0 विकेट, जो कि पिटाई हुआ उल्टा। उसके अलावा मुर्ताज 0 विकेट, उसके अलावा उस्मान खान सीनीवारी भी विकेट लेस गए, और उसके अलावा टीम अंदर से मुबासिर खान, जो कि किसी भी मैच में बॉलिंग नहीं पाया, बट एक बजे बॉलिंग गया, वो भी पिटाई हो गई इनकी अभी। उसके चारों अमर जावल ने बॉलिंग किया और एक विकेट लिया, इकोनॉमिकल बॉलिंग कराए। तो ये है नॉर्थ ईस्ट का बॉलिंग लाइनअप्स, और ये है नॉर्थ ईस्ट का बैटिंग ऑर्डर, जो कि सबको याद रखना है। रोहित नाजिर वनडर बैटिंग कहते हैं। एंड बात करते हैं साउथ ईस्ट पंजाब का, तो साउथ ईस्ट पंजाब की टीम इधर से, ये तो सिंध का यार, एक मिनट, साउथ ईस्ट पंजाब ही रहा। तो साउथ ईस्ट पंजाब की टीम इधर से ओपन करते, टीम इधर से जैन अब्बास ओपन करते टीम से। देखो टेस्ट मैच का एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन टीम इधर से एक ओवरऑल T20 में एक अच्छा परफॉर्मेंस करता है। टीम इधर से लास्ट में 45 रन स्कोर किए, 65 रन स्कोर किए थे टीम इधर से। मोहम्मद सजाद के साथ ओपन करेंगे, वन डाउन जिसन असफ, जो कि वन डाउन बैटिंग करें, रन आउट हो गए थे, बट काफ़ी अच्छे हीटर है। अगर सलेमन, जो कि फोर डाउन बैटिंग, अगर सलेमन फोर डाउन बैटिंग करते, सरुण सिराज, हसन खान, मोहम्मद लियास, तो ये इनका बैटिंग ऑर्डर साउथ ईस्ट पंजाब का। बात करते पावर प्ले में, तो फर्स्ट पावर प्ले मजीद अली ने स्टार्ट किया, सईम गुल के साथ स्टार्ट किया, सईम गुल विकेट लेके, बट अच्छे विकेट टेकी प्ले। मोहम्मद लियास, जो कि एक ही ओवर में एक विकेट लेके चले गए, और बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग रहते। अगर सलेमन, जो कि 5 विकेट लेके चले गए, मेरे के साथ कैप्टन जाता हूँ, एक टाइम था कि कोई इनको कैप्टन ही बनाना था, मैं हर मैच जब भी इनके मैचेस देखता हूँ, जब भी मैं इनको ऐसा कैप्टन करता हूँ, क्योंकि विकेट टेकिंग प्लेयर है और काफ़ी टैलेंटेड भी है। मैं हमेशा बोलता हूँ इनके साथ कैप्टन जाया करो, हमेशा बोलता रहता हूँ। और टीम उधर से ना फोन है बैटिंग का कन्फर्म करते, हसन खान ऑलमोस्ट 3 ओवर बॉलिंग पाए थे और 1 विकेट ले गए। फैजाल अखर जो टीम उधर से पहले के मैचेस में मतलब कि विकेट ले रहे थे, बट लास्ट में विकेट लेस गए। तो ये इनका बॉलिंग लाइनअप है। एंड अब आता है वीडियो सबसे मेन पार्ट, प्लेयर वाइज। देखो इससे आप कितना इजीली समझ गए कौन कितना अमाउंट है बॉलिंग, इससे समझना काफ़ी इजी रहता है। स्टैट्स की तुलना में कंपेयर करोगे तो इससे समझना काफ़ी इजी रहता है, लास्ट मैच का इसको कार्ड से, इससे मतलब पावर प्ले का पता चल जाता है, बॉलिंग लाइनअप वगैरह, बैटिंग ऑर्डर सब कुछ पता चल जाता है। एंड अब आपके बाकी टेली पे बैटिंग ऑर्डर वगैरह सब कुछ मैं शेयर कर ही दूंगा। मैं इसलिए बैटिंग लाइनअप से नहीं लिखा क्योंकि यार ड्रीम इलेवन सब बता ही देता है, ठीक है। ड्रीम इलेवन सब कुछ बता देते हैं, पिच रिपोर्ट भी बता देते हैं, इसे लिखा नहीं। इसके बाद अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने माने तो इस मैच पे कर सकते हो, जो कि इस मैच के लिए लाइव आ सकता हूँ, स्कॉटलैंड वुमेंस आयरलैंड वुमेंस का। तो बात करते प्लेयर वाइज एनालिसिस।
बात करें विकेट कीपर से, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जरूर से लाइक कर देना जिससे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल सबसे पहले को ऑन कर ऑल पे सेट किस आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में। बात करें विकेट कीपर से, तर देखो विकेट कीपर सेक्शन में रोहित नाजर जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर टीम था, टैलेंटेड यंगेस्ट प्लेयर टीम से। और अब देखो रोहित नाजर जो कि करंटली देखो ठीक ठाक फॉर्म में चल रहे, सारी खराब प्लेयर बिल्कुल टैलेंटेड प्लेयर भी है और यंगेस्ट प्लेयर भी है, तो आप जा सकते हो। मेरे हिसाब से जाना चाहिए रोहित नाजर के साथ, लेकिन जिसन अब से ट्राई करें, क्योंकि जिसन अब से हिटर है, वन रन बैटिंग ये भी कर रहे, लेकिन अगर हिटिंग के मामले जिसन अब से बहुत आगे हैं रोहित नाजर से। रोहित नाजर पहले बता टीम से फोन है बैटिंग कर रहे थे, हालांकि उससे पहले तो ओपन एक ओपनर टीम से डोमेस्टिक मैच, बट रिसेंट मैचेस हुए फोन है बैटिंग किए थे, फिर उसके बाद लास्ट में जो वन रन बैटिंग किए थे, तो इनका बैटिंग थोड़ा सा कन्फ्यूज है, मतलब कन्फर्म नहीं है। अदरवाइज मैं रोहित नाजर के साथ जाता, बट जिसन अशरफ क्या कि हीटर है तो हीटर को ड्रॉप कर नहीं सकते। जिसन अशरफ का भी सेम ही है, ऐसा नहीं है जिसन अशरफ बदली फोन है बैटिंग नहीं किया हो, बट ये बंदा टीम सी को ओपनर है, PSL में ओपन करता आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे वन रन बैटिंग कर रहा है। तो चलो जिसन अशरफ के साथ जाते, रोहित नाजर भी टीम से एक अच्छा प्लेयर कहीं भी बैटिंग कर लेता है। उसके अलावा सोए मकसूद अभी भी दो लाइन से लिखा हुआ नहीं है, इसलिए साइड रखते, एंड नवाज को भी साइड रखते, जे उसके लिए जैन अब्बास इंपॉर्टेंट नहीं है। उमर अमीन जो कि पहले वन रन बैटिंग कर रहे थे, कैप्टनसी कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा नीचे बैटिंग कर रहे, साइड रखते। ए इमरान जो कि टीम इधर से ओपन करता है, ठीक ठाक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। एच नवाज भी है, एस सिराज भी अवेलेबल है। सिराज को अगर देखोगे तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा प्लेयर नहीं है, बस ऐसी, तो आप ले लो अपने हिसाब से। अगर आप देखोगे ए इमरान के बारे में, तो ए इमरान भी दो नीचे ही बैटिंग है, ठीक है। ए इमरान पहले ओपन कर, बट अभी ए इमरान भी नहीं लिख रहा मुझे दिख रहा, इमरान है कि मलिक है देख लेते यार। देखोगे तो ये टीम इधर से नॉर्थ की टीम से अली इमरान है, मैं साइड रखता हूँ, ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा प्ले नहीं है। उमर अमीन जो कि फोन है बैटिंग करे, बट खेलेंगे कवर कर लेते हैं, मे भी वन रन बैटिंग कर ले एस सी, उसके लिए एस सिराज है टीम तरफ से फिर बैटिंग करता, तो इनको भी साइड रखते हैं, एच नवाज के साथ चले जाते हैं। जो तीन में लिया हो यही तीन सबसे बेस्ट है, इसके अलावा कोई भी कुछ खास है ही नहीं। उसके अलावा सोए मकसूद के, तो सोए मकसूद को पिक कर लेना किसके जगह पे, एच नवाज या फिर उमर अमीन की जगह पे सोए मकसूद को। उसके अलावा अगर देखोगे तो अगर सलेमान इंपॉर्टेंट है कि टीम कैप्टनसी कर रहे हैं, फोन है बैटिंग कंफर्म है, चार ओवर भी कंफर्म है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। मुबासिर खान बॉलिंग कर नहीं रहा, एक ही मैच है बॉलिंग किया इस सीरीज़ में, सिर्फ एक ओवर वो भी पिटाई करवा के आ गया। एज अमल इंपॉर्टेंट है, एज खान विकेट टेकिंग प्लेयर, इनके साथ जाओ, टीम इधर से एक टैलेंटेड प्लेयर भी है, मेरे हिसाब से जाना चाहिए आपके साथ एज खान के साथ, ठीक है। उसके लिए टीम इधर से मैंने पिक भी किया था लास्ट मैच में, फर्स्ट मैच में जब मैंने फर्स्ट मैच खेला था। उसके अलावा सोहेल तनवीर हमेशा कैप्टन ट्राई करता रहा था, फिर ना बैटिंग भी किया था, 74 रन के स्कोर भी करके चला गया था, फर्स्ट पावर प्ले में वो से स्टार्ट भी करता है। उस्मान खान शनिवार बॉलिंग किया था चार ओवर, बट स्टिल इकोनॉमिकल बॉलिंग किया था। सैम गोल दो ओवर बॉलिंग पाया था बट पिटाई हो गया था। मोहम्मद लियासिम बॉटर एक ओवर बॉलिंग किया था, और देखो एक ओवर बॉलिंग इसलिए किया था बट विकेट लेके गया था एक ही ओवर में, इंपॉर्टेंट है कि टीम से पूरे चार ओवर बॉलिंग करने वाले प्लेयर है। सैम गुल भी है जो फाइनल प्लेयर है, 12 गेट बचते हैं आपको डिसाइड करना फाइनल पे। देखो तो बैटिंग सेक्शन में तो कोई है नहीं खास, तो बैटिंग तो भूल ही जाओ। एक विकेट कीपर रोहित नाजर को बढ़ा सकते हो, या फिर ऑलराउंडर भी देखो तो ऑलराउंडर भी कुछ खास नहीं, फिर बॉलर बढ़ा सकते हो। अब देखो जो फाइनल प्लेयर है सैम गुल के मैं साथ जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मन कर रहा है कि रोहित नाजर को पिक करना है मुझे, तो रोहित नाजर को आप पिक कर सकते हो, ये आपको पर डिपेंड करता है। अगर आपको रोहित नाजर पसंद है तो नाजर के साथ जा सकते हो, मैं साइड ही रखा हूँ अभी के लिए। मुबासिर खान को भी साइड ही रखा हूँ क्योंकि बॉलिंग पा नहीं रहा है, बाकी एज खान बॉलिंग पा रहा है इसलिए जा रहा हूँ। कैप्टन की बात करें तीन चार सबसे बेटर ऑप्शन है, देखो अगर सलेमान सबसे बेस्ट कैप्टन, वाइस कैप्टन के तौर पर अगर देखोगे तो सोहेल तनवीर भी सही है, उसके अलावा मोहम्मद लियास भी, तो तीन सबसे बेस्ट है, मतलब वो तीनों कॉन्स्टेंट है। जिसन अशरफ वगैरह को ग्रैंड टीम ट्राई कर लीजिएगा, उमर अमीन को ट्राई कर लीजिएगा, उस्मान खान शनिवार को ट्राई कर लीजिएगा, तो इनको आप ट्राई कर लीजिए ग्रेलिटी में। फिलहाल के वाइस कैप्टन सोहेल तनवीर के साथ चारों, अगर सलेमान हैज अपना वाइस कैप्टन चारों, तो ओवरऑल मेरी टीम बन चुकी है। तो दोस्तों ये थी मेरी स्मॉल स्मॉल ही खेलूँगा सेम टीम के साथ, अभी अमाउंट जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अभी मुझे गिव का अमाउंट भी ट्रांसफर करना है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ। तो अभी सेम टीम के साथ जाओ, कोई चेंजेस होगा तो टेलीग्राम पे सबसे पहले इन्फॉर्म करो। सेम टीम का स्क्रीनशॉट ले लो और कॉन्टेस्ट को जाके बुक कर लो, कोई जो भी अपडेट्स आएगा इस मैच के रिगार्डिंग मैं अपडेट करता रहूँगा टेलीग्राम पे, तो एक्टिव रहना टेलीग्राम चैप पे। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, अगर मुझे कोई ट्रम कार्ड पिक्स वगैरह मिलेगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो सेम टीके से जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, जाके कॉन्टेस्ट को बुक कर दो। अमाउंट आपको उतना ही इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, अभी सेम टीके के साथ बस अब जाओ। कोई चेंजेस हुआ, कोई ट्रम कार्ड पिक्स मिलता है टेलीग्राम पर सबसे पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलते हैं टेलीग्राम। बाकी देखो अगर आपको इन्वेस्ट करने का ज़्यादा मन है तो आप इस मैच को कर सकते हैं, जो मैच का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया हूँ गिव अवे के साथ, आप इसका देख लेना, इंडिया वर्सेज श्रीलंका का वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, कोई डाउट वगैरह हो तो नीचे कमेंट कर बताना, कोई अगर डाउट तो कमेंट करना, जब तक वीडियो